यू नो वॉट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू? इट्स डेफिनेटली नॉट द टेक्निकल राउंड, क्योंकि टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन हम बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, कभी कभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक हम टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन करते हैं, बट वी समवेयर लैग बिहाइंड द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ डू वी इम्प्रूव आर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो हाई एवरी वन, माई नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. मुझे पता है हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं. तो ऐसा होता है, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सुन लेते हो ना तो उसको समझना सिंपल होता है, बट एक्चुअली बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आज की वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स के अराउंड होने वाली है. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन टुडेज वीडियो इज़ व्हाई इज़ इट डिफिकल्ट फॉर अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उसके पीछे रीज़न क्या है. सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन टुडेज वीडियो इज़ इट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड दैट टू इन इंग्लिश. क्या इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है या नहीं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स दे अर्न अप टू 20% मोर दैन देयर कलीग्स एंड आर मोर लाइकली टू रिसीव प्रमोशंस एट एन अर्ली स्टेज. And additionally, if you have effective communication skills, then you are definitely improving your productivity by 20-25%. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस आउट करते हैं वो ये है कि if you are not good with tech skills and आपकी communication skills बहुत strong है, then too, there are so many roles जिसमें आप excel कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स, पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मार्केट स्पेशलिस्ट, सेल्स स्पेशलिस्ट, एजुकेटर, कंसल्टेंट, एचआर मैनेजर्स, एनालिस्ट, और ऐसे बहुत सारे रोल हैं जिसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं. बट यही अगर उल्टा है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बट यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी. सो नाउ यू नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड प्रोफेशनल करियर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड अंडरस्टैंड दैट वाई इज़ इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हमें ना हमेशा जजमेंट का डर रहता है कि अगर मैंने इस तरीके से बोला या ऐसे बोला तो मुझे वो क्या सोचेगा. तो हमेशा एक फियर ऑफ जजमेंट होता है. जो सेकेंड हमें बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. मतलब हम हिम्मत ही नहीं कर पाते कि हम बोल पाएंगे भी, बस ऐसा लगता है कि हम बोल ही नहीं सकते. तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड थर्ड थिंग ऑफ कोर्स, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बहुत टफ लगती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, वोकैबुलरी एंड जो उसका इंग्लिश का ग्रामर है, इन जनरल वो बहुत टफ लगता है लोगों को. तो एक्चुअली कुछ भी नहीं, इट्स ऑल इन आर माइंड. तो ये मैंने कुछ 2-3 रीजंस बताए, इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं. तो अब जब हमें रीजंस पता है देन वील हैव टू फिगर आउट कि हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं. सो पहली चीज़, हमेशा अगर अच्छा बोलना है तो उसके लिए यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर. कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो पहले ध्यान से सुनो, बिना इंटरप्ट किए. हम लोगों की आदत होती है ना कि समझ में नहीं आया तो पहले टोक दो, बिना टोके पहले ध्यान से सुनो कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है. सुनने के बाद अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली नहीं समझ में आई है पूरा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, तो फिर ये पूछो कि इस चीज़ का क्या मतलब है. या वो कहते हैं ना कि क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछना, इस चीज़ का पर्टिकुलर वर्ड का मतलब आप नहीं पूछोगे बट इन जनरल आपको सेंटेंस अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछोगे कि हाँ इसका क्या मतलब था. और आपको पता है ये जो आस्किंग क्वेश्चन वाली चीज़ है ना, ये इंटरव्यू में बहुत काम आती है. कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में हम बैठे होते हैं और सब नर्वस होते हैं यार, इंटरव्यू में सबको नर्वसनेस होती है और नर्वसनेस की वजह से हम नहीं सुन पाते कि हमारे इंटरव्यूअर ने क्या बोला. तो जब भी इंटरव्यूअर बोल के चुप हो जाए, कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आई है, बिना हिचक के उनसे पूछो दैट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कैन यू रिपीट अगेन. इस तरीके से तुम उनको अगर बोल दोगे तो इंटरव्यूअर तुम्हें रिपीट कर देगा एंड एक काइंड ऑफ गुड इंप्रेशन भी पड़ता है कि तुम कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो. सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्टिव लिसनर इफ यू वॉन्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर या आपका स्टार्टअप है या कोई बड़ी कंपनी एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बिट्रिक्स 24. ये स्मॉल, बिग, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी यूजफुल है. अब बिट्रिक्स 24 के फीचर्स, यूसेज और प्राइसिंग को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको. तो सबसे पहले फीचर्स जानते हैं. तो बिट्रिक्स 24 का CRM काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ आप लीड्स को मैनेज कर सकते हो, सेल्स ऑटोमेट कर सकते हो और कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन ट्रैक कर सकते हो. तो इससे आप अपनी सेल्स पाइपलाइन को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. दूसरे फीचर की बात करें हम, तो प्रोजेक्ट्स को CRM और कोलैबोरेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया है. इसमें आप गैंट चार्ट्स,
कैनबैन बोर्ड्स और स्क्रम व्यूज का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स को अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। जब भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे तो आपके ग्रुप्स बन जाएंगे और उन ग्रुप्स को सब्सक्राइब करके आप हमेशा अपडेटेड रह सकते हो। जब भी कोई कुछ भी पोस्ट करेगा तो आपको वो अपडेट आ जाएगा उन ग्रुप्स में। नेक्स्ट फीचर ये है कि टीम चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डॉक्यूमेंट शेयरिंग जैसे टूल्स यहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फीचर इज दे हैव एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग और लीव रिक्वेस्ट मैनेज करने के लिए भी फीचर्स हैं। इससे HR processes को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो इनके पास बिल्ट इन वेबसाइट बिल्डर टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली Bitrix 24 हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ यू कैन ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन योर ऑपरेशंस, देन यू कैन डू द कोलैबोरेशन विद योर टीम वेरी इजिली, यू कैन एनहांस योर कस्टमर रिलेशंस एंड ऑफकोर्स डू अ लॉट ऑफ स्टफ विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द वीडियो। सो अब थोड़ा प्राइसिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट उसके पहले लेट मी टेल यू कि इंडिया में जो Bitrix 24 के प्राइजेस हैं वो बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में बहुत कम है। रीजन ये है कि अभी इन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया है, सो दैट इज वाई दे आर प्रोवाइडिंग यू वेरी अमेजिंग प्राइजेस। सो लेट अस डिस्कस देयर प्लान्स नाउ। सो फर्स्ट इज देयर फ्री प्लान। इसमें बेसिक फीचर्स हैं एंड लिमिटेड यूजर्स के लिए है। इसमें आप अपना टास्क इजीली मैनेज कर सकते हो, ये छोटी टीम्स के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट इज देयर बेसिक प्लान। सो ये एक लो मंथली फी पर यूजर पर अवेलेबल है और इसमें थोड़े और एडवांस फीचर्स हैं विच यू कैन यूज। नाउ कमिंग टू देयर स्टैंडर्ड प्लान। सो इस प्लान में और भी फीचर्स हैं जैसे एनहांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज देयर प्रोफेशनल प्लान। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल है जिसमें अनलिमिटेड यूजर्स और सभी फीचर्स अवेलेबल हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज Bitrix 24 इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट। आई हैव मेंशनड माई प्रोमो कोड इन द डिस्क्रिप्शन, यूज इट टू गेट एडिशनल 5 GB ऑफ डेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो। नाउ इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो बोलना तो इस तरीके से बोलो कि सामने वाला सिर्फ आपकी बात समझ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है हाई फाई वर्ड्स यूज़ करने की, कोई ज़रूरी नहीं है मुंह बना के बोलने की, कोई ज़रूरी नहीं है प्रोनंसिएशन पे ध्यान देने की, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई करो कि ऐसे बोल दूँ, फैंसी तरीके से वैसे बोल दूँ। नहीं, बस अपने सेंटेंस को इस तरीके से बोलना शुरू करो कि बस सामने वाला समझ जाए सेंटेंस की मीनिंग। और पता है ये स्टेप ज़रूरी क्यों है? अपने मन से बस वो एक डर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भगाने के लिए। और ये डर भागेगा कैसे? तो प्रैक्टिस से। अपने आसपास ये माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ तुम इंग्लिश में बात कर पा रहे हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब मैं क्या बोलूँ, दोस्तों को पकड़ पकड़ के उनसे बात करो। अगर वो जज कर रहे हैं तुम्हें तो करने दो यार, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो काम चलेगा नहीं। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो स्कूल में बहुत ज़्यादा स्पीचेस, डिबेट्स, इन सब में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी, बिकॉज मुझे चाहिए था कि मैं सबके सामने बोलूँ, मुझे अच्छा लगता था, पर मैं कर नहीं पाती थी। और पता है इसकी मैं प्रैक्टिस कहाँ करती थी? मुझे भी वो सेम चीज़ था कि किसी और के सामने बोलूँगी तो क्या सोचेगा अगर मैंने गलत बोल दिया तो, ऐसे करके। तो मैं हमेशा मिरर के सामने खड़े होके अपना जो भी मैं स्पीच प्रिपेयर करी रहती थी ना, डिबेट के लिए या जो भी है, मैं खड़े होके मिरर के सामने वो पूरा रिसाइट करती थी, खुद को सुनती थी मैं। एंड धीरे धीरे मैंने खुद में देखा दैट आई एम एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मैं मिरर के सामने खड़े होके खुद ही इंटरव्यूअर बनती हूँ, खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर करती हूँ। तो उससे ना मेरा वो मन का थोड़ा डर भाग जाता है और इंटरव्यू के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस सो दैट इज़ देयर इन योर माइंड दैट यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस समथिंग एंड इट्स लाइक द सेम थिंग। अगर आपको मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली दो, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। एंड अनदर ग्रेट टेक्निक इज राइटिंग समथिंग। जो भी आप सोच रहे हो ना उसको लिखने का ट्राई करो, बिकॉज वेन यू राइट यू आर बेटर एबल टू आर्टिक्यूलेट वॉट यू आर थिंकिंग। एंड इसके अलावा वन मोर थिंग दैट हेल्प्स अ लॉट इज रीडिंग अलाउड। क्या होता है, वेन यू ट्राई टू रीड समथिंग अलाउड यू इम्प्रूव इन योर प्रोनंसिएशन एंड फ्लुएंसी। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट आप बोल रहे हो तो योर प्रोनंसिएशन शुड बी राइट एंड यू शुड बी फ्लुएंट इनफ वेन यू आर स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन शुड टेक यू द वे यू आर स्पीकिंग। प्लस ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। एंड येस, जितना पॉसिबल हो ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स एंड वो भी सब टाइटल्स के साथ। एंड सब टाइटल्स के साथ देखने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको एक तो समझ आता है सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, एंड दूसरा जो सब टाइटल होता है ना उनको प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस करो तो उससे आपका स्पीकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। एंड आई नो हर स्कूल और कॉलेज में ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल होते रहते हैं एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसको छोड़ के भागना चाहते हैं। मुझे पता है स्टार्टिंग में अगर तुम एक बार अपनी हेजिटेशन को छोड़ दोगे ना तो बाद में तुम्हें कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्टली मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग वन वर्ड डेली, वो आपका वर्ड ऑफ द डे होगा, एंड ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन योर कॉन्वर्जेशन डेली। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि वाई ओनली इंग्लिश, या इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश ओनली इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर।
सो आई वुड से येस, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज जो कि दुनिया में सबको ही समझता है. तो इंग्लिश सीखने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो. यू विल बी, सो कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, मैं जो बोलूँ वो आप समझो, आप जो बोलो वो मैं समझूँ. तो कोई एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे बीच में जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. दैट इज़ वेयर इंग्लिश कम्स इन पिक्चर. बाकी और कोई भी लैंग्वेज ग्लोबली रिकग्नाइज, ग्लोबली नोन या ग्लोबली अंडरस्टैंडेबल नहीं है. और दूसरा, अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, चाहे मीटिंग अटेंड करनी हो, दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो, सोशलाइज करना हो, या तो आपको ट्रैवल करना हो. हर जगह ही अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड आपको लगता है कि येस आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन द अदर पर्सन वट एवर आई एम फीलिंग, वट एवर आई एम थिंकिंग. सो इंग्लिश सीखना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को नहीं इम्प्रूव करेगा, इनफैक्ट इट इज़ गोइंग टू एनरिच योर ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो ये एफर्ट देना towards improving your communication skills and that too in English is definitely worth it. I hope ये video आपको अच्छी लगी होगी. थोड़ी सी off topic है, I would say off topic तो नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा लोग बात नहीं करते इसके बारे में. So that's why I wanted to make a video, क्योंकि मुझे पता है हमारी audience के, मैं भी वैसे ही हूँ, so मुझे पता है audience के लिए बहुत required topic है ये और समझाना बहुत ज़रूरी है. So I hope video अच्छी लगी होगी, और अगर video अच्छी लगी है so बिना like किए मत जाना. Don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell notification so that jab bhi main koi nayi video dalu, you get updated. Thank you so much.